हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं जो सीरीज चल रहा है, हाउ टू सेटअप सीमेंट प्लांट। आज इसका तीसरा सीरीज है, पार्ट थ्री। पहले वाले पार्ट में जनरल ओवरव्यू दिया था कि मैन पावर कितना लगेगा, क्या क्या क्लियरेंस लेना पड़ता है, कितना लैंड रिक्वायरमेंट होता है और क्या प्रोसेस होता है। दूसरे पार्ट में बताया कि अगर आप सबसे मिनिमम पूंजी या अमाउंट में प्लांट को सेटअप करना चाह रहे हैं तो आप ब्लेंडिंग यूनिट चूज कर सकते हैं ऑप्शन को। उसके साथ में फ्लाई ऐश ब्रिक्स प्लांट भी लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस अंपायर खड़ा कर सकते हैं। इसी सीरीज में आज हम थर्ड पार्ट बना रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे कि ब्लेंडिंग यूनिट के बाद में थोड़ा सा और अमाउंट या पूंजी आप बढ़ाइए तो आप मिनी ग्राइंडिंग यूनिट लगा सकते हैं। मिनी ग्राइंडिंग यूनिट दोस्त लगाने में आपको मैं क्लियर कट कर देना चाह रहा हूं, अगर आप 10 टू 20 टन पर आवर का मिनी ग्राइंडिंग यूनिट लगाना चाह रहे हैं, करीब करीब 200-220 टन पर डे का प्लांट होता है, तो इसमें आपको 4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फिर से मैं बता रहा हूँ, 4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप किसी सप्लायर के पास में जाएंगे, वो तो बताएंगे कि 2-2.5 करोड़ में आपका काम हो जाएगा। नहीं दोस्त, आपको गुड क्वालिटी का सबसे पहले इक्विपमेंट लेना है। प्लांट लगाना ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज नहीं होता है, प्लांट को लगाने के बाद में जो इन्वेस्टमेंट होता है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, आपको सीमेंट बेचना है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाना है, ऑफिस बनेंगी, टीम आपको रखना पड़ेगा सीमेंट बेचने के लिए, वहां भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इनिशियल में, और ये अच्छी खासी अमाउंट होती है। आपको 3-4 महीने तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको बैकअप में अमाउंट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मिनी ग्राइंडिंग यूनिट भी लगाने जाएंगे तो आपके पास में मिनिमम 4-5 करोड़ होना ही होना पड़ेगा। क्या क्या मैन पावर लगेगा, क्या लैंड रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या चीज अहम होता है कि अगर आप बाल मिल खरीदने जा रहे हो, उसका सर्किट खरीदने जा रहे हो, ये सारा डिटेल में आज हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्त समझ लेते हैं कि सबसे पहले कि रॉ मटेरियल क्या यूज होने वाला है मिनी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में। आपको पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि सीमेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल होता है वो होता है क्लिंकर। क्लिंकर आपको इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट से खरीद के लेके आना है, उसका लैंडेड कॉस्ट आप निकाल के रखिए। क्लिंकर आप सीमेंट प्लांट से जब खरीदने जाएंगे तो उसका कॉस्ट करीब करीब 2600 रुपीस पर टन होता है, लेकिन वही लैंडेड कास्ट निकालने जाएंगे, करीब करीब ट्रांसपोर्टेशन लग जाते हैं 1000 एक्स्ट्रा, तो करीब करीब आपको मिलेगा 3600 रुपीस पर टन के हिसाब से क्लिंकर आपको मिल जाएगा। तो ये क्लिंकर आपको खरीद के रखना है। दूसरा होता है कि आपको जिप्सम लेना पड़ेगा, केमिकल जिप्सम या मिनरल जिप्सम ले सकते हैं, इसका क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, ओनली 3-3.5% ही यूज होता है, वो आसानी से आपको अवेलेबल मिल जाएगा, उसका भी लैंडेड कॉस्ट आप निकाल के रखिए। लैंडेड कॉस्ट इसका बैरी करता है करीब 800 रुपीस से लेके 1400 रुपीस पर टन के बीच में आपको जिप्सम मिलेगा। तीसरा सबसे अहम होता है कि फ्लाई ऐश, और फ्लाई ऐश इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि ये थर्मल पावर प्लांट का बाय प्रोडक्ट होता है, और ये थर्मल पावर प्लांट से करीब करीब ये फ्री मिलता है। आज के डेट में थोड़ा सा मेंटेनेंस चार्जेस लेने लगे हैं थर्मल पावर प्लांट वाले, करीब 50 रुपीस से लेके 100 रुपीस पर टन के हिसाब से, और उसके बाद जो आपका लगेगा वो है लैंडेड कॉस्ट, मतलब थर्मल पावर प्लांट से आप जहां एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं मिनी सीमेंट प्लांट, वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है फ्लाई ऐश को ट्रांसपोर्ट करके अपने प्लांट तक ले आने का, वही खर्चा ओनली आपको लगेगा। और फ्लाई ऐश आप मिला सकते हैं कितना, 30-35% तक मिला सकते हैं। क्लिंकर आपने इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट से लाया, जिप्सम ओनली 3% थोड़ा क्वांटिटी लगता है, और 30-35% फ्लाई ऐश, तो आपको यही बेनिफिट होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि जो मिनी ग्राइंडिंग यूनिट लगाइए वो थर्मल पावर प्लांट के आसपास ही हो, विद इन 50 किलोमीटर के रेंज में ही हो। जितना पास में रहेगा थर्मल पावर प्लांट उतना आपको प्रॉफिट होने वाला है इस बिजनेस में, ये आप नोट करके रख लीजिए।
कि आप जितना मिनिमाइज करेंगे फ्लाई ऐश का लैंडेड कॉस्ट उतना आपको बेनिफिट होगा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है, अगर आप पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट बनाने जा रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट होता है स्लैग, और स्लैग सीमेंट बनाने के लिए यूज होता है क्लिंकर ओनली 35 से लेके 40%, मींस क्लिंकर का क्वांटिटी बहुत ही मिनिमम होता है इस केस में, और जो स्लैग होता है वो 55% तक आप यूज कर सकते हैं। स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है, ओबियसली इसका जो कास्ट होता है ना के बराबर होता है, आपको हार्डली मिनिमम 300 या 400 रुपीस पर टन के हिसाब से आपको स्लैब अवेलेबल हो सकता है। अनलैंडेड कास्ट निकाले जाएंगे करीब करीब 1000 से लेके 1000 रुपीस पर टन के हिसाब से आपको स्लैग मिल जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लिंकर हमको केवल 40% मिलाना है और स्लैग 55 से लेकर 60% तक मिला सकते हैं, और जिप्सम हार्डली 3% मिलाएंगे तो आप स्लैग सीमेंट बना सकते हो। तो स्लैग सीमेंट आप बनाइए और मिनी ग्राइंडिंग यूनिट लगाइए जहां पर स्टील इंडस्ट्री हो। अगर आसपास में स्टील इंडस्ट्री है आप वहां पर जाके आप मिलिए मार्केटिंग टीम से और पता लगाइए कि वो स्लैग अवेलेबल है कि नहीं है, क्या रेट में स्लैग मिल रहा है, उसका लैंडेड कॉस्ट आप निकाल के रखिए। तो यहां पर दो ऑप्शन हुआ कि मिनी ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए कि आप पोजनाना पोर्टलैंड सीमेंट बना सकते हैं फ्लाई ऐश का एडिशन करके, और दूसरा है आप स्लैग सीमेंट बनाइए, यहां पर स्टील इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट स्लैग होता है जो वो भी आपको सस्ते में मिलेगा। तो मिनी ग्राइंडिंग यूनिट का ऑप्शन पहला है कि आप थर्मल पावर प्लांट के पास में लगाइए, और दूसरा है कि स्टील इंडस्ट्री के पास में लगाइए तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है। मैं तो बताऊंगा कि आप अगर सबसे मिनिमम में जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा पावर कंजम्पशन हल्का सा ज्यादा होता है बाल मिल सर्किट का, तो बाल मिल सर्किट में दो होते हैं, एक होता है कि आप ओपन सर्किट में चलाइए और दूसरा होता है क्लोज सर्किट में चलाइए। पहले क्या था कि ओपन सर्किट में भी लोग प्रॉपर क्लिंकर प्लस जिप्सम प्लस फ्लाई ऐश का ग्राइंडिंग करके पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाते थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्त, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपका कंपटीशन किससे है, बड़े बड़े सप्लायरों से है, आपका कंपटीशन अल्ट्राटेक्स है, आपका कंपटीशन एसीसी से है, आपका कंपटीशन जेके सीमेंट से है, सो एंड सो जो कि बिग जायंट्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। तो आपका जो क्वालिटी होगा वो इन्फीरियर नहीं होना चाहिए, जो भी इंडियन स्टैंडर्ड का नॉर्म्स है उसकी तुलना में आपका क्वालिटी कम नहीं होना चाहिए, और जो मार्केट में क्वालिटी चल रहा है सीमेंट का उससे इन्फीरियर नहीं होना चाहिए, आपका कम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये प्रेफर करूंगा आप बाल मिल सर्किट लगाइए लेकिन क्लोज सर्किट लगाइए। क्लोज सर्किट में कंसिस्टेंट जो सीमेंट है वो आपको मिलेगा, उसका क्वालिटी पैरामीटर मीट होगा, जो भी टेस्ट होगा, लीचेटियर टेस्ट होगा, ऑटोक्लेव टेस्ट होगा, आपका सीमेंट मीट करेगा। जो भी फाइननेस चाहिए आप डायनेमिक सेपरेटर के द्वारा उसको आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि पोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका फाइननेस ज़्यादा होता है, और उस फाइननेस को कंट्रोल करने के लिए आपको डायनेमिक सेपरेटर लगाना ही पड़ेगा, और वो भी आप यूज कीजिए जो क्लोज सर्किट हो, वो थर्ड जनरेशन का डायनेमिक सेपरेटर हो। तो जो क्लोज सर्किट होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है आपको सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने का। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी से मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, अगर आप बाल मिल सर्किट आप प्रोक्योर करने जा रहे हो आप जरूर से जरूर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। आप सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं 20-30 ईयर्स के लिए, बहुत मेहनत करके आप ग्राइंडिंग यूनिट लगाने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाल मिल लगाए और पता चले 3 या 4 साल में सेल में क्रैक हो गया। जो सेल में प्रॉपर जॉइंटिंग होता है उसका स्ट्रेस रिलीविंग का टेक्निक्स क्या है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है, बाल मिल टोटल बोल्टेड लाइनर है कि बोल्टलेस लाइनर है। आपको ये भी देखना है कि हम सर्किट को लगा रहे हैं आने वाले समय में स्मूथली प्लांट चले, ऐसा नहीं है कि हम दिन भर 10 आदमी 15 आदमी लगाए हैं हमेशा जैमिंग हो रहा है, कंसिस्टेंट फ्लो नहीं जा रहा है मटेरियल का, अन इवन टीपीएच बाल मिल में फीड हो रहा है,
कांस्टेंट फीड रेट नहीं है, जो सीमेंट का आउटपुट है उसमें वेरिएशन है, किसी में फ्लाई एश क्वांटिटी ज्यादा है, किसी में जिप्सम की क्वांटिटी ज्यादा है, अनइवन वेरिएशन है, टेस्ट फेल हो रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पैरामीटर रखता है कि जो आपका प्लांट का डिजाइन होना चाहिए वो वेल एप्रोप्रिएट होना चाहिए, हर एक जो इक्विपमेंट लगे हैं वो रिलायबल होना चाहिए, मैकेनिकल फ्रेंडली होना चाहिए, मैन पावर लगे नहीं कि सूट में जैमिंग हो रही है, सूट में जैमिंग नहीं होना चाहिए, सूट का डिजाइन ऐसा होना चाहिए, वो सारे पैरामीटर हम चेक कर सकते हैं। और आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो आप बिल शुरू में थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन आप उसका अगर पे बैक पीरियड देखने जाएंगे ना तो मिनिमम विद इन वन ईयर के पहले ही पहले आपका सारा इन्वेस्टमेंट कवर हो जाएगा। 10-10 आदमी लगाने पड़ते हैं, सूट हमेशा जाम होता है, सस्ते में ग्राइंडिंग यूनिट खरीद लेते हैं और मेंटेनेंस में ही आदमी लगाते हैं, डस्ट निकल रहा है आउटलेट से, डस्ट निकल रहा है, जहां डिस्चार्ज हो रहा है हर पॉइंट पे डस्ट निकल रहा है, प्रॉपर जो सूट का डिजाइन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, बेंटिंग लाइन का जो डिजाइन होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पोल्यूशन कंट्रोल का भी प्रेशर अनवांटेड रहता है। नीट एंड क्लीन सीमेंट प्लांट लगाइए, बस उसका ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दोस्त, ओनली टेक्निक्स हैं। इनिशियल में जो टेक्निक्स होते हैं, सूट का डिजाइन, बेंटिंग लाइन का प्रॉपर डिजाइन, आदमी सारे लगाते हैं, बैक फिल्टर आप लगाएंगे, लेकिन उसका जो बेंटिंग लाइन का प्रॉपर सक्शन पॉइंट है, डिस्चार्ज पॉइंट है, वो तरीके से नहीं होता है, उसका तरीके से डिजाइन नहीं होगा, तो वहां पर मैटर फेल होता है। मेंटेनेंस फ्रेंडली डस्ट फ्री इन्वायरमेंट में अगर इक्विपमेंट लगाना चाह रहे हैं आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब बात आते हैं कि हमको मिनी क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट लगाना है और हम स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए कि 5 टन पर आवर का भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 10 टन पर आवर इसका भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 15 टन पर आवर, 20 टन पर आवर के रेंज में आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनी ग्राइंडिंग यूनिट। इसके लिए हमने आपको बताया करीब 4-5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, उसका आप ब्रेकअप भी मोटा मोटा आप देख सकते हो कि आपको प्लांट एंड मशीनरीज में करीब करीब 140 लाख लग जाता है, सिविल फाउंडेशन बनना है, वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेटन सिस्टम होता है, सेफ्टी डिवाइसेस लगे रहते हैं, इसका भी इन्वेस्टमेंट होगा, मैकेनिकल वर्कशॉप छोटा सा आपको रखना पड़ेगा, लेथ लगाना पड़ेगा, कुछ भी अगर सडन कोई भी शटडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है, इक्विपमेंट या फेल्योर्स होते हैं तो इमीडिएट वहीं बना सको पार्ट को। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको लेबोरेटरी इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे, उसका लैब आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सीमेंट का क्वालिटी पैरामीटर चेक होना बहुत ही जरूरी होगा, इसके लिए आपको लेबोरेटरी इक्विपमेंट लेने पड़ेंगे, उसका भी इन्वेस्टमेंट होता है करीब 15-20 लाख तक का लग जाता है इन्वेस्टमेंट इनिशियल में, टोटल लैब बनाने में, इक्विपमेंट खरीदने में। पोल्यूशन कंट्रोल का इक्विपमेंट भी लगाना पड़ेगा, आपको स्टेट कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड में डायरेक्ट क्लीयरेंस लेने के बाद में हर महीने पर बी के हिसाब से आपको इमिशन लेवल ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, पूरा पता चलता रहेगा कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में कितना इमिशन लेवल आपके प्लांट के इर्द गिर्द में है, आपका जो भी चिमनी लगा हुआ है उसका क्या इमिशन लेवल है, वो सारा गवर्नमेंट को इंडिकेशन जाता है, इमिशन लेवल अगर 30 है तो 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, वो भी करीब करीब 15-20 लाख लग जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब तो प्लांट आपने ले लिया, प्लांट ले तो लिया है लेकिन उसको लगाना भी तो है, इरेक्शन कास्ट आएगा, कमीशनिंग कास्ट आएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट आएगा, इसके लिए भी आप करीब करीब 100 लाख रुपीस रखिए अपने पास में, तो ये मोटा मोटा 4-5 करोड़ तक चला जाता है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बाल मिल लेने जाओ दोस्त, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आप बाल मिल लगाने जा रहे हैं 20-30 ईयर्स के लिए और हमेशा रिनोवेशन होता रहता है, इनोवेशन होता रहता है, आप प्लांट की कैपेसिटी को आप बढ़ा सकते हो। क्या होता है कि आप सप्लायर के पास जाएंगे, बोलेंगे हमारे पास पैसा कम है, उस कंडीशन में क्या करेगा सप्लायर, छोटे साइड का बाल मिल दे दिया आपको, आपको 5 टन पर आवर का बाल मिल दे देगा, बोलेगा हम इससे निकालेंगे 7 टन पर आवर। अब जो ये कैपेसिटी बढ़ा तो जो क्लिंकर फीड होता है बाल मिल के अंदर में, प्री
ग्राइंडिंग यूनिट लगा देगा। प्री ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए आपको जैक क्रशर लगा देगा शुरू में, रोलर क्रशर लगा देगा शुरू में, एडिशनल इक्विपमेंट लगा देगा। अगर क्लिंकर साइज आपका इनपुट जो क्लिंकर साइज है अगर आप इंटीग्रेट प्लांट से खरीदने जाएंगे तो करीब करीब 50 mm साइज का, 60 mm साइज का मिलता है, तो उसको पहले ही ग्राइंड करके उसको 8 mm या 5 mm छोटे साइज में कर लेते हैं रोल क्रशर यूज करके, जैक क्रशर यूज करके। मैं तो इसके लिए प्रेफर आपको नहीं करूंगा। आप बाल मिल खरीदिए, बोलिए हमको जैक क्रशर और रोल क्रशर नहीं चाहिए, हमको बाल मिल का साइज 20 ton per hour है, तो आप 20 ton per hour का आप बाल मिल खरीदिए। 20 ton per hour का आप जब बाल मिल आप खरीद लेंगे, अब आपके पास में ऑप्शन ही हो जाएगा इसी 20 ton per hour बाल मिल की कैपेसिटी को आप इनहेंस कर सकते हो। आप इसको 30 ton per hour तक भी चला सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बाद में जब आपके पास अच्छी खासी पूंजी हो जाए तो उस कंडीशन में आप मॉडिफिकेशन करवा लीजिए अपने प्लांट का, कैपेसिटी बढ़ जाएगा, सेम बाल मिल रहेगा। अब आप अगेन जैक क्रशर लगा लीजिए, रोल क्रशर लगा लीजिए, थर्ड जनरेशन सेपरेटर लगा लीजिए, क्लोज सर्किट में लगा लीजिए, जो फ्लाई एश फीडिंग है आप सेपरेटर में फीड कीजिए, ना कि बाल मिल इनलेट में फीड कीजिए, जिससे कि सेम बाल मिल, एग्जिस्टिंग बाल मिल से आप डबल कैपेसिटी करीब करीब प्रोडक्शन कर सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन होगा कि हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर शुरू में ही आप छोटा बाल मिल लेंगे तो फिर आगे चल के आपको जब लगेगा कि तो मार्केट हम समझ गए हैं, सब कुछ समझ गए हैं, हमारा सीमेंट क्वालिटी अच्छा है, मार्केटिंग भी अच्छा कर ले रहे हैं, बिक भी अच्छा रहा है, तो अब हमको मॉडिफिकेशन करना चाहिए। अभी 5 ton per hour मेरा प्लांट की कैपेसिटी है, अब हम इसको 10 ton per hour करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने दोबारा मिल छोटा ले रखा है, तब उस कंडीशन में आपको मॉडिफिकेशन नहीं करते बनेगा। इसलिए वन टाइम बाल मिल बिग साइज का शुरू में आप लीजिए, एक बार कर लेंगे इन्वेस्टमेंट और हमेशा के लिए बेनिफिट रहेगा। लैंड रिक्वायरमेंट कितना होगा दोस्त? मिनिमम ये मान के चलिए करीब करीब 1 to 2 acres तो लगते ही लगते हैं, 4,000 meter square का एरिया लगता ही लगता है। कितना भी आप शॉट लगाइए, पैकिंग प्लांट आना है, ग्राइंडिंग यूनिट आना है, ट्रक का मूवमेंट होना है, तो इसलिए करीब करीब 1 to 2 acres का जमीन छोटे 10 ton per hour से लेके 15 ton per hour प्लांट के लिए इतना लग जाते हैं। वही 20-25 ton per hour के लिए आप अगर जा रहे हैं तो करीब करीब 6,000 meter square एरिया में आपका हो जाएगा। उसी में एडमिन बिल्डिंग भी बनानी है, लैब लेबोरेटरी भी बनाना है, ऑफिसेज बनाने हैं, तो इतना एरिया आपको रखना पड़ेगा। लगाने से पहले मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि जो भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है आपको, कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट, कंसेंट फॉर ऑपरेशन, ये सारा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। आपको प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी पड़ती है, आपको पब्लिक हियरिंग करना पड़ेगा। सब कुछ क्लियरेंस मिलने के बाद ही आप प्लांट लगा सकते हैं, बिना क्लियरेंस के आप प्लांट नहीं लगा सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, पावर का जरूरत पड़ेगा, तो आपको उसके लिए भी कनेक्शन शुरू में ही लेने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कि हमको करीब करीब मान लीजिए कि 480 किलोवाट तक का पावर क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट में पावर कंजम्पशन होता है, तो इतना आपको कनेक्शन उसी के हिसाब से लेना पड़ेगा। अब छोटा सा मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहूँ, अगर जो पावर का रिक्वायरमेंट है हमने तो बता दिया कि बाल मिल है तो बाल मिल करीब करीब 28 to 32 kWh per ton के हिसाब से कंजम्पशन, इसका पावर कंजम्पशन होता है। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि हमको सबसे ज़्यादा बाल मिल कब चलाना है, तो इसका 4 वेरिएशन होता है। आप जब आप जाएंगे पता लगेगा कि जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो पिक आवर में देखेंगे कि करीब 7 rupees पड़ रहा है, 7 rupees per unit पड़ रहा है, और वही नाइट चार्जेस में 5.5-6 rupees per unit होता है। तो जनरली क्या होता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम नाइट में ही चलाएंगे, कि पावर कंजम्पशन हमारा जितना कम लगेगा उतना हमको प्रॉफिट होगा। हम हायर पिक आवर में हम बाल मिल नहीं लगाएं, उस कंडीशन में जो भी मेंटेनेंस करना है वो कर लेंगे। तो प्रेफर किया जाता है कि पिक आवर में अवॉइड किया जाए, नाइट में चलाइए, दिन में चलाइए, जब पावर रेट कम हो। अब बात आती है मैन पावर रिक्वायरमेंट दोस्त। मिनी सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट में, क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट में, ये मान के चलिए मोटा मोटा कि करीब 50 people लग जाते हैं। आपको 1-2 आदमी अकाउंट में रखने पड़ेंगे, लेबोरेटरी में करीब 3 या 4 आदमी रखने पड़ते हैं,
मेंटेनेंस इंजीनियर आपको रखने पड़ेंगे, अगर दो शिफ्ट चला रहे हैं तो मिनिमम आपको दो तो रखना ही पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रखने पड़ेंगे मिनिमम एक, टेक्नीशियन एक तो रखना ही पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन का एक इंजीनियर रखना पड़ेगा जो कि ऑटोमेशन भी जानता हो, सब कुछ जानता हो, वो ओवरऑलिंग कर सके, CCR ऑफिसर आपको रखने पड़ेंगे, अगर दो शिफ्ट चलाते हैं तो दो, अगर मान लीजिए तीन शिफ्ट चलाते हैं तो आपको चार रखने पड़ेंगे, एक रिलीवर रखना पड़ेगा, तो CCR ऑपरेटर भी आपको चार रखने पड़ते हैं। प्लांट में मेंटेनेंस करने के लिए पर शिफ्ट में करीब करीब दो आदमी तो रखना ही पड़ेगा, तो पर शिफ्ट अगर तीन शिफ्ट चला रहे हैं तो 8 people रखना पड़ेगा, अगर दो शिफ्ट चला रहे हैं तो 4 people रखना पड़ेगा। जनरल में मेंटेनेंस टाइम पे आपको मैन पावर का, स्किल्ड मैन पावर का रिक्वायरमेंट होता है उस कंडीशन में। पैकिंग प्लांट रहेगा तो उसके लिए भी मैन पावर चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए कम से कम पर शिफ्ट में एक, अगर एक आदमी है तो 4 रखने पड़ेंगे, अगर 3 में दो शिफ्ट चला ना 2 से काम चल जाएगा, तो पैकिंग प्लांट में भी आदमी चाहिए, तो करीब करीब 50 से लेके 52 इतना मैन पावर लग जाते हैं मिनी ग्राइंडिंग यूनिट लगाने में। तो आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी कि मिनी क्लिंकर ग्राइंडिंग यूनिट कैसे लगाते हैं। अगर दोस्त आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।